असल पे स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है हर्ष बब्बर और ये एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किया स्टिंगर जीटी के बारे में, जो कि किया की एक फोर डोर एक परफॉर्मेंस सेडान है, जो कि वो कई सालों से इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलती है, काफ़ी अच्छी आपको लुक्स मिलती है और कंपेरेटिवली जो गाड़ी का प्राइस है वो आपको काफ़ी कम मिलता है। और जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट की इंडिया में इतनी सस्ती कोई भी गाड़ी है नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किया स्टिंगर जीटी के बारे में और उसके इंजन ऑप्शंस के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसमें आपको जो भी वेरिएंट्स मिलते हैं और क्यों वो इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। तो इस वीडियो को देखते रहे किया स्टिंगर जीटी के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कार वर्सल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है गाड़ियों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जैसे कि जो किया है वो एक कोरियन का ब्रांड है, जो कि ऑफिशियली इंडिया में 2019 में लॉन्च हो चुका है। और इंडिया में जो इनकी पहली गाड़ी है वो है किया की सेल्टॉस, जो कि इंडिया में एक 5 सीटर मिडसाइज एसयूवी है। इंडिया में फिलहाल तो ये अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है और किया इंडिया में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स में आ चुका है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि किया काफ़ी अच्छा बिक रहा है इंडिया में और काफ़ी लोग इस कार ब्रांड को पसंद कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में किया अपनी एक फोर डोर एक परफॉर्मेंस सेडान बेचते हैं जिसका नाम है स्टिंगर जीटी, जिसमें आपको काफ़ी आपको कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, काफ़ी आपको स्पोर्टी सी लुक्स मिलती है और काफ़ी अच्छी आपको जो है डायनामिक्स भी मिलते हैं। तो अगर आप किया स्टिंगर जीटी का मेन कॉम्पिटिशन देखें जो कि उसे मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वह है ऑडी की A5 से, BMW की 4 सीरीज से, मर्सिडीज़ की CLA से और बाकी जो भी दूसरी कूपे लाइक सेडान आती है इस वाले सेगमेंट की। और जैसे कि ये वाली सेडान जो कि इंडिया में आती है काफ़ी महंगी है, इनका प्राइस इंडिया में अराउंड 70-80 लाख का है। लेकिन जैसे कि अगर किया इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे तो इंडिया में ही इसे असेंबल करेंगे, जिससे इस गाड़ी का जो प्राइस है काफ़ी कम रहेगा। तो अगर आप इस गाड़ी के इंजन में देखें तो इस गाड़ी का आपको जो बेस वेरिएंट में इंजन मिलता है वो है 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 255 हॉर्स पावर मिलती है और 350 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप इसका GT वाला वेरिएंट लेंगे जो कि इसका परफॉर्मेंस ड्रिवन वेरिएंट है, जिसमें आपको ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा आपको बड़ा इंजन मिलता है, तो वो है 3.3 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन, जिसमें आपको 365 हॉर्स पावर मिलती है और 510 Nm का टॉर्क मिलता है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल इंजन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी हॉर्स पावर भी मिलती है और काफ़ी अच्छी आपको टॉर्क फिगर्स भी मिलते हैं। गाड़ी में आपको सारे इंजन के साथ आपको एक ही जो है आपको ट्रांसमिशन मिलती है, जो कि 8 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि काफ़ी अच्छी एक ट्रांसमिशन है जो कि किया की कई सारी और गाड़ियों में यूज़ की जाती है। तो जैसे कि एक परफॉर्मेंस गाड़ी है तो इस गाड़ी के अगर आप थोड़े बहुत परफॉर्मेंस फिगर्स में देखें तो इस गाड़ी में आप 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सेट कर सकते हैं 4.7 सेकेंड्स में, जो कि इसके सेगमेंट का सबसे फास्टेस्ट है। और ऑडी की A5 में भी आपको इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलती। बाकी फिर इस गाड़ी में आपको जो है 250 किलोमीटर पर आर के इससे भी ज़्यादा की आपको स्पीड मिलती है या फिर टॉप स्पीड मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस फिगर है। इस गाड़ी में आपको 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं ताकि आप आसानी से और काफ़ी जल्दी इस गाड़ी को स्टैंड स्टिल पर ले आए। और फिर अगर आप इस गाड़ी के मोड्स देखें जो कि इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं तो काफ़ी सारे आपको मिलते हैं, ताकि आप अपनी पसंद के हिसाब से इस गाड़ी में आप एडजस्ट करके मोड्स आप इस गाड़ी को चला पाए। तो इस गाड़ी का जो बेसिक वाला मोड है वो है स्मार्ट वाला मोड, जो कि कॉम्बिनेशन है इसकी परफॉर्मेंस का भी, इसके ड्राइविंग प्लेजर का भी और बाकी इसकी फ्यूल इकोनॉमी का भी। उसके बाद आता है इको वाला मोड, जिसमें आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है सबसे आपको कम मिलेगी, लेकिन जो फ्यूल इकोनॉमी है और बाकी इस गाड़ी की जो रेंज है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आता है कम्फर्ट वाला मोड, जिसमें जो मेन फोकस होता है गाड़ी का वो है कम्फर्ट प्रोवाइड करना, और इसमें कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो है कम्फर्ट का भी और बाकी परफॉर्मेंस का भी। इसके बाद आता है स्पोर्ट वाला मोड, जिसमें आपकी गाड़ी की मैक्सिमम आपको पावर मिलेगी, मैक्सिमम आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा। और एक कस्टम मोड भी आता है, जिसमें आप अपनी गाड़ी के परफॉर्मेंस को, आप अपनी गाड़ी की इकोनॉमी को और बाकी अपनी गाड़ी के कंफर्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप एक ड्राइविंग मोड बना सकते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी के वेरिएंट्स को देखें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं जीटी लाइन में, जो कि है GT1, GT2 और नॉर्मल GT वाला, और इंडिया में तो नॉर्मल GT वाला ही आएगा। फिर अगर आप इस गाड़ी के लुक्स को देखें तो लुक्स आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी मिलती है। इस गाड़ी में अगर आप फ्रंट में देखें तो फ्रंट में इस गाड़ी में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है और बाकी उन दोनों के बीच में आपको किया की जो सिग्नेचर ग्रिल है वही आपको इसमें मिलती है। और पूरे इस गाड़ी के सराउंड्स में भले अगर आप इसके बम्पर्स देखें, भले अगर आप इसके साइड मिरर्स देखें या फिर अगर आप इसके कई भी आप बॉडी पार्ट्स देखें,
तो इसमें आपको काफ़ी सारे ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं ताकि इस गाड़ी को थोड़ी स्पोर्टी लुक मिले। साइड में अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी से अच्छे लुक प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी स्पोर्टी से व्हील है। और जो इसकी ब्रेक्स आपको ब्रेम्बो की ब्रेक्स मिलती है जो कि रेड कलर में पेंटेड है। फिर अगर आप इस गाड़ी के रेयर में देखें तो रेयर ही इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है जिसमें जो इस गाड़ी का टेल गेट है या फिर इस गाड़ी की जो रूफ लाइन है वो आपको कूपे लाइक मिलती है ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़े और सेकेंड इस गाड़ी की जो लुक्स है वो भी थोड़ी बहुत इन्हेंस होए। पीछे से तो इस गाड़ी में आपको जो है काफ़ी अलग सी आपको टेल लाइट्स मिलती है जो कि आपकी गाड़ी का जो साइड वाला पार्ट है उस तक आपको जो है एक्सटेंडेड मिलती है। फिर अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर को देखें तो वो भी आपको काफ़ी जो है स्पोर्टी मिलता है जिसमें जो इस गाड़ी की सीट्स है और जो थोड़े बहुत पार्ट्स है डैशबोर्ड के वो आपको लेदर में मिलते हैं जो कि रेड कलर का लेदर है। इसके जो सीट्स है वो आपको बकेट टाइप सीट्स मिलती है ताकि आप आसानी से उसमें फिट रहे और आसानी से अगर आप टर्न्स ले रहे हैं अपनी गाड़ी में तो आसानी से आप उसमें बैठे रहे। इस गाड़ी में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जिसका जो इंटरफेस है वो आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है। और बाकी इसका जो ड्राइवर जोन है उसमें आपको फुली डिजिटल या फिर सेमी डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप इस गाड़ी में देखें तो आपको सनरूफ भी मिलेगी और उसके बाद आपको हार्मन एंड कार्डन का आपको ऑडियो सिस्टम मिलेगा 9 स्पीकर्स का। आपको डुअल जोन एसी मिलेगा और 12 वे पावर एडजस्टेबल आपको को ड्राइवर और ड्राइवर वाली सीट मिलेगी जो कि हीटेड भी है और वेंटिलेटेड भी है। तो अगर आप देखें इस गाड़ी के फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो तो टॉप नॉच है ही और जो लुक्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अगर आप इस गाड़ी का मेन कंपटीशन देखें इंडिया में तो एक ही गाड़ी अभी फ़िलहाल इसके सेगमेंट की या फिर इसके प्राइस रेंज की जो कि अभी तो फ़िलहाल बिकती है इंडिया में वो है स्कोडा की ऑक्टाविया VRS जो कि ऑक्टाविया का एक परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्जन है लेकिन उसमें भी आपको इतनी अच्छी हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स नहीं मिलते। तो एक तरह से अगर आप देखे जाए तो ये अपने सेगमेंट की इकलौती गाड़ी होगी अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है। तो इसका तो लॉन्च अभी इंडिया में कन्फर्म है नहीं लेकिन अगर इस गाड़ी को किया इंडिया में लॉन्च करते हैं तो इसका जो प्राइस होगा इंडिया में अराउंड 30-35 से लेके 45 लाख रुपीस इंडिया में होगा और उस प्राइस में भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होगी क्योंकि इस गाड़ी में आपको अराउंड 80-85 लाख की गाड़ी की परफॉर्मेंस मिलेगी और बाकी आपको इतनी ही महंगी गाड़ी के आपको फीचर्स मिलेंगे लुक्स मिलेंगे और बाकी किया कि आपको ब्रांड नेम भी मिलेगा और लो मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिलेगी। तो फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको स्टिंगर GT अच्छी लग रही है और अगर इंडिया में लॉन्च होती है क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।